आपके लिए हिचकी क्या है? हमारे लिए तो ये समझ में आ गया कि गले और पेट की मांसपेशियां जब कम हवा के कारण सिकुड़ती हैं तो हिचकी आती है. हाँ, दैट्स अ लिटरल मीनिंग ऑफ हिचकी. राइट. अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो हिचकी, लेकिन ये हिचकी उस हिचकी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, उसका मीनिंग थोड़ा और ज़्यादा मतलब बड़ा है. और हमने कोशिश की है कि जो टुरेट्स सिंड्रोम है, जो डिसऑर्डर है लड़की को, उसे हमने हिचकी बताया, क्योंकि आम लैंग्वेज में हम टुरेट्स सिंड्रोम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो हिचकी एक ऐसी शब्द है जो हम सबको होती है, हम सबको है. तो हिचकी इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द टुरेट्स सिंड्रोम इन अ वे दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट. आपने लोगों को हिचकी के अलग अलग मायने बताने का सोचा है, और इसलिए आपने पूरी एक किताब छापी है. हम इस किताब पर बढ़ें उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जब बचपन में आपको हिचकी आती थी या अभी भी लिटरली अगर आपको हिचकी आती है, तो कौन कौन से उपाय को आप फॉलो करते हैं कि आपकी हिचकी चली जाए? पानी पीती हूँ. सिर्फ पानी? ऊपर देखती हूँ. और कभी घर वालों ने कहा कि कोई तुम्हें याद कर रहा है इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही? हाँ, याद करता है, या कोई गाली दे रहा है, या कोई प्यार से याद कर रहा है, हिचकी तो तभी आती है. हम लोग को भी हिचकी बहुत ज्यादा आई है. हम आपको याद कर रहे थे इसलिए 3 साल बाद आपको आना ही पड़ा. सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिचकी जैसा मुद्दा उठाना आपको क्यों जरूरी लगा? ये कोई मुद्दा नहीं है. ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी एक फिल्म है हिचकी. और हिचकी के थ्रू हम ये भी बताना चाहते थे लोगों को कि हम सबको एक तरह की हिचकी है. जैसे नैना को तो हिचकी है ही, उसको टुरेट सिंड्रोम है, जो जैसे आपने देखा उसको मोटर टिक्स होते हैं. ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है. जैसे कि मैंने आम भाषा में बोला है कि जब ब्रेन्स में कुछ तार ठीक से नहीं जुड़ते तो हिचकी होती है, जिनको समझ में नहीं आती है. लेकिन हमने शायद बहुत से लोगों को हमारे लाइफ में, जीवन में देखा है जिनको टुरेट सिंड्रोम है, लेकिन शायद इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. तो जैसे कि ये एक प्रॉपर हिचकी है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना, दिमाग की हिचकी लोगों को होती है. जैसे कि कोई लड़की अगर कम कपड़े में चलती है रात को, तो कहते हैं कि वो क्यों पहन के चल रही थी छोटे कपड़े, तो वो हमारे दिमाग की हिचकी है. जैसे हम कहते हैं कि माँ बनने के बाद एक लड़की का करियर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब डिक्लाइन पे जाता है, तो वो किसी के दिमाग की वो हिचकी होती है कि आप इस तरह से सोचते हो. तो हमारे जैसे लाइफ में बहुत सारी ऐसी हिचकीज़ है, जैसे हिचकी ऑफ यू नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस, बहुत सारी ऐसी मतलब हिचकी है, रिलीजन को लेके हिचकी. तो हमने सोचा कि उसको और इस मुद्दे को साथ में जोड़ के एक एक्सप्लेन करें कि हिचकी क्या होती है.